अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत हो। तो इसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स, अदरक 1 इंच बारीक काटली में, धनिया 1 स्पून, काजू भी हरी मिर्ची बारीक काटली में के, ये ज़ीरा हाफ टी स्पून है ना, सौंफ है, घी 4 स्पून है, साल्ट है आपके टेस्ट के हिसाब से, ये खोटरा है ना प्याज काटली में बारीक काटली में। देखो कचौरी बनाने के लिए 1 खोटरा आटा ली मई, ये मैदे का आटा, इसमें है ना थोड़ा घी 2 स्पून है ना घी डालती मई, थोड़ा तेल डाल को मिलाती, तेल भी 2 स्पून ली मई, 1 ही चूज करती हूँ तो 2 मिक्स, थोड़ा नमक भी डालती मैं, आपके टेस्ट के हिसाब से डालो नमक है। ये अच्छा मल लेना, ये घी तेल है सोपी से अच्छा ये हो जाना, मिक्स हो जाना, मिक्स होने के बाद ही पानी से मिला लेना। तरह से मिक्स कर देनी, मैं पानी डाल को मिक्स करूँगी थोड़ा, ये पतला नहीं घटने, इक्वल रहना, कचौरी नहीं तो फूकती नहीं। तो अब ये मिक्स हो गया पूरी तरह से, तो अब एक बिल्का कपड़ा ले को इसके ऊपर मैं डालूँगी, मैं जब तक है इसे इसका साल। अब ये गैस चालू में है तो मैं इसे है ना धनिया सौंफ ज़ीरा थोड़ी हींग डालूँगी, चिटकी, इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। भुनने के बाद इसका प्रोसीजर दिखाऊँगी। तो इसी तरह भुनने को कच्ची बात चल गए तक है कम से कम। तो अब 2 स्पून घी बचाना वो डाल दी मैं, 1 स्पून डाली। अब ये साले के वास्ते कतो प्याज की ये कचौरी है, प्याज की कचौरी बनाती हूँ है ना अंदर फिलिंग करने के वास्ते। काजू भी हरी मिर्ची थोड़ा अदरक पूरी खोटरा दिखाई। प्याज की कचौरी बनाते हैं तो इसका ये पूरा लाल होने की जरूरत नहीं, खाली है भीगा पने चल गया तो बस इस तरह भुनना चाहिए, इसका स्वेट निकल जाना चाहिए। थोड़ा हल्दी डालूंगी इसमें, नमक, थोड़ी हल्दी, लाल हुए जानी उसी तरह भून लीजिए। ये बिल्कुल रेडी हो गया, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। देखिए पूरा स्वेट है, सूखा पानी, कम तेल में ये भून लेना बस है। अभी इसे ठंडा होना भी अवस्था भी रहे उसके प्रोसीजर दिखाऊंगा। डो भी तैयार है, सालन प्याज का सालन भी तैयार है। अभी छोटे लूंडे बना को आपको कचौरी में फिलिंग दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं छोटे बॉल्स बना ली, तो आप उसकी फिलिंग देखिए। देखिए बॉल्स को किस तरह बना ली मैं, तो उसमें फिल करूँगी। सालन डाला ली मैं प्याज का, तो आप इस तरह देखिए फिलिंग करने का।
अंदर दबाओ। अंदर इस तरह से पूरे बना लूंगी। ये कचौरी बन गई, अब तेल में तलेंगे। आप ये देखो कैसा फूटता है, इसे मैं पलटूंगी दूसरी तरफ। अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं कचौरी, तो मैं निकाल के दिखाऊंगी। तो बन गए मेरे कचौरी, तो देखिए किस तरह लग रहे हैं और खाने में भी मज़ेदार है। देखिए तो देखिए किस तरह से अंदर फिलिंग है। तो ये ऐसा डुबा के, ये है ना, ये हरी चटनी है ये, और ये अमली की चटनी, ये दो चटनियाँ मैं बनाई। सो किस तरह टूट जाती है देखो। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।